राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बदम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज वीडियो बनाने का जो खास मकसद है, मैं खा रही थी, देखिए बताती हूँ मैं आज किस टॉपिक की वीडियो है। मैं खा रही थी, ये मेरे ठाकुर जी सामने बैठे थे। अब जामुन का भोग ठाकुर जी को लगता नहीं है, जामुन का भोग ठाकुर जी को लगाते नहीं है, मेरे ठाकुर जी सामने बैठे थे। तो मैंने कहा क्या पता हमारा जो यूट्यूब का परिवार है उसको पता ही ना हो कि ठाकुर जी को किन किन चीजों का भोग लगता है, किन किन चीजों का नहीं लगता। तो जान लेते हैं ठाकुर जी को किन किन चीजों का भोग लगता है और किन किन चीजों का नहीं लगता। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे बहुत से फ्रूट्स भी हैं जिनका भोग नहीं लगता, ऐसी बहुत सी मिठाई भी हैं जिनका भोग नहीं लगता, ऐसी बहुत सी दाल सब्जियां भी हैं जिनका भोग नहीं लगता है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि किस किस का भोग ठाकुर जी को हमारे घर पे लड्डू गोपाल विराजमान है, या फिर कोई भी सीमित विग्रह है, जुगल जोड़ी सरकार है, या कोई भी है, किस किस का भोग ठाकुर जी को लगता है और किस किस का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। नंबर एक, अगर आप मसूर की दाल का भोग ठाकुर जी को लगाते हैं तो शास्त्रों में ये मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार कि जब मैंने आपको सुनाया था कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जब भौमासुर की गर्दन कटी तो उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई, उसका जो हड्डी थी उसकी हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति हुई और उसके रक्त से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी। तो मसूर की दाल पूरे वृंदावन में किसी भी विग्रह को भोग नहीं लगाई जाती है, किसी भी ठाकुर को भोग नहीं लगाई जाती, इसलिए मसूर की दाल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। नंबर सेकंड, दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स में केवल जामुन ही ऐसा है, जामुन जो कि बहुत कम दिनों के लिए है, बहुत सीमित समय के लिए बाजार में आता है, और ऐसा बोला जाता है कि उसको पेड़ से नहीं तोड़ा जाता, वो जमीन से उठाया जाता है, उसको शुद्ध नहीं माना जाता। आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि जामुन में छेद होता है, तो इसलिए जामुन जो होते हैं उनका भोग ठाकुर को नहीं लगता है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बता देते हैं, बहुत सारे लोग ठाकुर को बैंगन का भोग लगाते हैं, तो शास्त्रों में बैंगन को शुद्ध नहीं माना गया है, इसलिए बैंगन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। जैसे कि बैगन का भरता बना लिया या फिर आलू बैगन की सब्जी बना ली, तो वो ठाकुर को भोग नहीं लगती है। आप किसी भी दाल का भोग लगा सकते हैं मसूर की दाल को छोड़कर। अगर आप कहोगे कि दाल चावल का भोग लगा सकते हैं तो डेफिनेटली दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। दाल बनाइए, आराम से अरहर की दाल बनाइए, आप ग्रीन वाली दाल बनाइए, आप कोई सी भी दाल बनाइए, मसूर की दाल को छोड़ के चने की दाल बनाइए, अरहर की दाल बनाइए, मूंग की दाल बनाइए, उसमें आराम से जीरे का तड़का लगाइए, देसी घी का तड़का लगाइए और ठाकुर को भोग लगा दीजिए। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल वाले हींग का भोग भी ठाकुर को नहीं लगाते हैं। जिस भी सब्जी में हींग पड़ी होगी तो वो हींग का उपयोग भी ठाकुर की सेवा में नहीं करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में नहीं करते, लेकिन बाकी बिहारी जी के मंदिर में और राधा वल्लभ के मंदिर में हींग का भोग ठाकुर को लगता है, अर्थात हींग से बनी हुई सब्जी का भोग ठाकुर को लग जाता है। हींग हाथरस में पाई जाती है और हाथरस की कुछ सीमा 84 कोस में आती है, और वहां पे संपूर्ण हींग जो मतलब पाई किया जाती है, हाथरस की हींग बहुत प्रसिद्ध है संपूर्ण ब्रज में, ब्रज 84 कोस में हाथरस की कुछ सीमा आती है और हाथरस के सभी मंदिरों में हींग का भोग लगता है। तो आप जिस संप्रदाय को मानते हैं आप उस संप्रदाय के हिसाब से भी भोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाजर की। चैतन्य गौड़ संप्रदाय में गाजर का भोग नहीं लगता, लेकिन इस्कॉन टेम्पल वाले हमेशा गाजर का हलवे का भोग ठाकुर को लगाते हैं। बात करें बाकी बिहारी जी के मंदिर में, तो बाकी बिहारी जी के मंदिर में गाजर का भोग नहीं लगता, लेकिन वही राधा वल्लभ के मंदिर में गाजर के हलवे का भोग लगता है। तो आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं उस संप्रदाय के हिसाब से भी कार्य कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मूली। मूली का भोग ठाकुर को नहीं लगता है, इनफैक्ट मूली के पराठे हो गए, मूली की सब्जी होगी, मूली की भुजिया होगी, तो इनका भोग ठाकुर को नहीं लगाया जाता है। भगवान को ज्यादा तीखा भोजन पसंद नहीं है, अर्थात ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। भगवान का जो फेवरेट भोजन है वो है दूध और भात, अर्थात दूध और भात का जो भोजन है, भात अर्थात चावल का जो भोजन है, वो भगवान का पसंदीदा भोजन है। आजकल महामूर्ख लोग कुछ गलती कर देते हैं, किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का भोग भगवान को लगा देते हैं, तो भगवान को किसी भी प्रकार की कोई कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगता। हाँ, भगवान को फ्रूटी का भोग आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ये वाली चीजों का भोग नहीं लगता। हाँ, फ्रूटी का भोग आप लगा सकते हैं। बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि दीदी मिठाइयों में हम किसका भोग लगा सकते हैं। आप ओवरऑल सारी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, भगवान को मीठा बहुत ज्यादा पसंद होता है।
पूरे वृंदावन में ये बोला जाता है कि पूरे ब्रजवासियों को मीठा अत्यधिक प्रिय है। इनफैक्ट खीर तो ब्रजवासियों की जान ही होती है। लेकिन जिस भी मिठाई में आप सिल्वर का अर्घ चढ़ा होता है, जिस भी मिठाई में सिल्वर अर्घ लगा होता है, वो चीज भगवान को भोग नहीं लगती। यू कैन फाइंड आउट इन गूगल कि आप सिल्वर वाली जो मिठाई होती है जिसके ऊपर सिल्वर अर्घ होता है, वो आपको ठाकुर को भोग नहीं लगानी चाहिए। इस बात को आपको विशेष और विशेष तौर पर ध्यान देना। आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स का भोग भगवान को लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट सारे ही ड्राई फ्रूट्स का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को चाय, कॉफी, आइसक्रीम इत्यादि का भोग नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, इस्कॉन टेम्पल में भक्त भी चाय नहीं पीते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मंदिर पे मैंने एक माता जी का भाव देखा था, वो अपने ठाकुर को चाय पिलाती थी। तो बाकी ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। आइसक्रीम अगर आप घर पे बना रहे हो तो उसको ठाकुर का भोग लगा सकते हैं। बाकी अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो तो मेक श्योर आप एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। बाहर की ब्रेड हो गई, नमकीन हो गई, उनको पीछे से एक बार पढ़ लीजिए कहीं उनमें अनियन, लहसुन प्याज तो नहीं है, या फिर अनियन और गार्लिक, लहसुन प्याज का वो तो नहीं है। ठाकुर जी को अदरक का भोग भी नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं यहाँ पे अदरक का भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ मंदिरों में नहीं लगाया जाता। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने संप्रदाय के हिसाब से जो चीज़ें आपने जिनको गुरु बना रखा है उनके हिसाब से, या फिर जो आपका संप्रदाय है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जैसे कि बाके बिहारी जी इस्कॉन टेम्पल के आपने दीक्षा ले रखी है, श्री हरिदास जी की आपने दीक्षा ले रखी है, या फिर राधा वल्लभ की, राधा माधव की, तो उनके अनुसार भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। सब्जियों में भगवान को मशरूम की सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है। बहुत सारे लोग मशरूम की सब्जी का भोग लगा देते हैं, लेकिन मशरूम की सब्जी को शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए मशरूम की सब्जी का भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। सेकंड थिंग, भगवान को चाप का भोग नहीं लगता है। कहीं कहीं पे भगवान को कटहल का भोग नहीं लगता, लेकिन चैतन्य संप्रदाय में भगवान को कटहल का भोग लगता है, और जगन्नाथ जी को भी कटहल का भोग लगता है। इनफैक्ट जगन्नाथ जी को तो एकादशी वाले दिन भी चावल का भोग लगता है। भगवान को चाप का भोग नहीं लगता, सोयाबीन की बड़ी का भी भोग भगवान को नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखिए, रात का जो भी खाना है सुबह उठकर आपको भगवान को भोग नहीं लगाना है। मतलब रात का बासी खाने भगवान को भोग नहीं लगाना है, भगवान को गर्म गर्म खाने का हल्का सा ठंडा होने के बाद ही भोग लगाना है। भोग लगाने से पहले आपको इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर आप मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हो तो मेक श्योर उसके पीछे की डिटेल पढ़ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसमें से कुछ चीज आप लेके आई तो मैं जो ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, इन डिटेल्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मसाले ऐड हैं, कौन कौन से मसाले ऐड नहीं है, क्या ये वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, उसके बाद आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोको होती है वो भगवान को भोग थोड़ा कम ही लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पाप लगेगा लगाने में, लेकिन कम ही लगाना चाहिए। बच्चों, भगवान को कोई चॉकलेट का भोग लगा देता है तो मिल्की बार जो दूध से बनी हुई चॉकलेट होती है, पतंजलि की चॉकलेट हो गई या फिर दूध से बनी जो चॉकलेट आती है, आप उनका भोग अगर लगाएंगे तो मैक्सिमम प्रेफर कीजिए। भगवान को टॉफी, अब आप कहोगे दीदी हमारे बच्चा है लड्डू गोपाल है टॉफी का भोग, तो उस टॉफी में आप पहले जैसे कि मैंगो कैंडी हो गई और एनपेन लीवर हो गई, तो जिसमें कोको की मात्रा ना हो उन चीज़ों का अगर आप भोग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बड़े सारे लोगों का दीदी को दीदी नमकीन या बिस्किट का भोग लगा सकते हैं। एक बार फाइंड आउट कर लीजिए कि उसमें लहसुन प्याज तो नहीं है या फिर बिस्किट जो है उसमें ऐड तो नहीं है, उसके बाद आप उसका भोग लगा सकते हो। तो दीदी ये बाहर की चीज़ें हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये शुद्ध है या नहीं है? देखिए, ठाकुर को भोग लगाने से पहले उसमें तुलसी दल डाला जाता है, तुलसी का कोई पत्ता डाला जाता है या फिर तुलसी की माला से स्पर्श किया जाता है, दल डाला जाता है। तो तुलसी का दल जब उस भोजन में डलता है तो जो उसकी अशुद्धता होती है वो दूर हो जाती है। इनफैक्ट किसी भी चीज में से जब तुलसी स्पर्श हो जाती है तो उसकी जो अशुद्धता होती है वो दूर हो जाती है। बड़े सारे लोगों का एक ये क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे घर पर तुलसी कितनी नहीं है, हम क्या करें, तुलसी का भोग ठाकुर को लगाना बहुत जरूरी है। तो आप एक ऐसी माला ले लीजिए, तुलसी की माला होती है उसको ले लीजिए, ठाकुर के भोजन से उस तुलसी की माला को स्पर्श कीजिए, उसके बाद वो भोजन ठाकुर को भोग लगाइए। ठाकुर को कितनी बार भोग लगता है, लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगता है, भोग लगाते वक्त किन किन सावधानियों का सामना हमें करना चाहिए, अगर आप इस पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बताइए, मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।